नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज उन्होंने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस पार्टी का नाम हटाया, जिसके बाद ही उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हो गई। इसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजकर साफ कर दिया कि वो अब कांग्रेस में नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो राजनीति का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और ये अध्याय अब बीजेपी से शुरू हो सकता है। खबरों के मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह। पहले सांसद रह चुके हैं, यूपीए सरकार के वक्त मंत्री भी रह चुके हैं और अब नया अध्याय अपनी राजनीतिक पारी का वो शुरू कर सकते हैं बीजेपी के साथ में। आरपीएन सिंह, जिन्हें कांग्रेस ने झारखंड का प्रभारी भी बनाया हुआ था, कई अहम पदों पर रह चुके हैं। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी में शामिल होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। आरपीएन सिंह कुंवर आरपीएन सिंह नाम से मशहूर हैं और 2:30 बजे आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और माना जा रहा है कि पिछले कई दिनों से पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज थे, कांग्रेस में अनदेखी हो रही थी उनकी, लिहाजा उन्होंने अब अपना नया ठिकाना ढूंढा है और नया ठिकाना बीजेपी हो सकता है, नया अध्याय बीजेपी हो सकती है आरपीएन सिंह के लिए। आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख चेहरा रहे और चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मैं कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, मुझे राष्ट्र और पार्टी की सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद। उन्होंने सोनिया गांधी का अदा किया है। आरपीएन सिंह युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते थे, साल 2009 में सांसद बने, तब कांग्रेस के 20 सांसद जीत करके आए थे उत्तर प्रदेश से और आरपीएन सिंह भी उनमें से एक थे। सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया, काफी प्रमुख रहे, अच्छे वक्ता हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, लिहाजा बीजेपी के लिए एक बड़ा कैच हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, रविंदर और विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर हमारे साथ दिल्ली से हैं और विशाल लखनऊ से हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे रविंद्र, कितने बजे तक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए राजा साहब पडरौना इसी नाम से मशहूर हैं अपने क्षेत्र में। 2:30 बजे बीजेपी ने एक मैसेज दिया है कि एन इमिनेंट पर्सनालिटी, और ये इमिनेंट पर्सनालिटी आरपीएन सिंह ही होंगे ऐसा कहा जा रहा है। और जाहिर सी बात है अब से थोड़ी देर बाद 2:30 बजे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में, और ये जो कुर्सियाँ सजी हुई है इसी पर एक कुर्सी पर आरपीएन सिंह बैठेंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह और तमाम बड़े नेताओं के साथ इसी बीजेपी हॉल में 2:30 बजे जो हमें समय बताया गया है यहाँ पर आरपीएन सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक बात है, अभी उनका परिचय जो है और सब जानते हैं, वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, राजा और पडरौना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य बड़ा फेमस रहा है कि बीजेपी में ना कोई राजा है ना महाराजा, सभी, चाहे ना कोई प्रधानमंत्री, सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। तो जाहिर सी बात है एक कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ ज्वाइन करेंगे और पडरौना में जी समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा बनकर आएंगे। जी विशाल, आरपीएन सिंह के आने से बीजेपी कहीं ना कहीं एक कुर्मी बड़ा नेता उनके हाथ आ रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की भरपाई कहीं ना कहीं करने की कोशिश? देखिए बिल्कुल, बीजेपी उत्तर प्रदेश में अगर पूर्वांचल की बात करें, जो कुशीनगर का इलाका है, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, इन जिलों में सैतवार कुर्मी की संख्या ज़्यादा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी के एक चेहरा थे जो कि 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। उसी इलाके से आरपीएन सिंह आते हैं। आरपीएन सिंह की गिनती अच्छे नेताओं में से एक है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह को जब बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कराएगी तो उनके जरिए ओबीसी मतदाताओं के बीच एक बार फिर से खास संदेश देने की कोशिश करेगी, क्योंकि आरपीएन सिंह का अगर प्रभाव देखें, कांग्रेस ने उनका कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि उनको प्रभारी वगैरह कुछ राज्यों का जरूर बनाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह बहुत एक तरह से जब 2014 से जब से कांग्रेस की सरकार गई है केंद्र में, उसके बाद से आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में काफी हाशिए पर दिखाई दे रहे थे कांग्रेस में। यहां पर इससे पहले चर्चा आती थी कि उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उनको नेतृत्व दिया जा सकता है, लेकिन 17 के चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन होकर चुनाव हुआ और यहां पर कांग्रेस कोई अपना फेस आगे नहीं कर पाई। उसके बाद जब यहां पर प्रदेश अध्यक्ष चुनने की बात आई तो अजय लल्लू को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसमें तमाम चेहरे उस दौड़ में शामिल थे, जैसे जितिन प्रसाद भी बनना चाहते थे, आरपीएन सिंह भी बनना चाहते थे, लेकिन जो एक ये नई टीम थी जिसमें जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे लोग शामिल थे, उनको उतनी ज्यादा तरजीह कांग्रेस ने शायद नहीं मिल रही थी। और यही
कारण है कि पहले जितिन प्रसाद गए और अब आरपीएन सिंह बीजेपी में जा रहे हैं। आरपीएन सिंह के जाने का मतलब है जातिगत समीकरण को पूर्वांचल में बीजेपी सही करना चाहती है। दूसरी तरफ यह मैसेज देना चाहती है कि चुनाव से पहले बीजेपी में आने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक जो संदेश अब से कुछ दिनों पहले गया था स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद, उस मैसेज को बीजेपी पलटना चाहती है और यही कारण है कि आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग बीजेपी में होने जा रही है। जी बिल्कुल, आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग होने जा रही है और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि बीजेपी दफ्तर से आए मैसेज में भी बताया गया है कि 2:30 बजे एक बड़ा नेता शामिल होगा। रविंद्र, अगर बात की जाए आरपीएन सिंह की, अगर पार्टी में उन्हें शामिल किया जाता है, किस तरह की उनकी भूमिका हो सकती है? जैसा कि आपने बताया कि कोई महाराजा नहीं होता है बीजेपी में, तो एक आम कार्यकर्ता की तरह होंगे, लेकिन पार्टी ने उनके लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया हुआ होगा। बिल्कुल, आप देखिए ग्वालियर के महाराजा ज्योतिराज सिंधिया भी बीजेपी में ज्वाइन किए और आज कैबिनेट में मंत्री हैं, वो एक प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में। तो जाहिर सी बात है, अगर पडरौना के राजा आते हैं बीजेपी में, आते हैं कार्यकर्ता के तौर पर, तो हालांकि ये संभावना कम है कि उनको विधायक के लिए या विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन उनकी पसंद का, उनके परिवार या उनके कोई अपने करीबी को वहाँ से टिकट दिया जाएगा और वो पूरे पूर्वांचल में प्रचार करेंगे। और चंदन, एक बात जरूर देखिए कि जब समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान हो या फिर दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरे नेताओं को बीजेपी से अपनी पार्टी में शामिल कराया था, तो उस समय एक माहौल बना था कि बीजेपी से छोड़कर लोग जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में क्योंकि बीजेपी हार रही है, इस तरह के माहौल वहां बनाने की कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी ने उसके बाद कहीं ना कहीं रिकवरी की और दो तरह की रणनीति बनी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक प्रमुख रूप से फोकस किया, आपने देखा कि किस तरह से कैराना खुद गृह मंत्री अमित शाह गए, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वहां के जो तमाम कद्दावर नेता थे दूसरी पार्टियों को, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया, चाहे अदिति सिंह हो या फिर अब आरपीएन सिंह आ रहे हैं या दूसरे नेता भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी असली टक्कर है, समाजवादी पार्टी को टक्कर देना है तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और उधर जातीय समीकरण को ठोस बनाना, और उसी कड़ी में आरपीएन सिंह पडरौना और पूरा कुशीनगर में जब प्रचार करेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान हो, उनकी जो अगर कोई गिरफ्त थी तो उसको कमजोर करने की एक बड़ी रणनीति बीजेपी की तरफ से। जी विशाल, बीजेपी शुरुआती झटकों से उबर चुकी है और जैसा कि रविंद्र बता रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं रिकवरी मोड में नजर आ रही है, दूसरी पार्टियों से नेता जो है शामिल हो रहे हैं। इस बीच अगर बात की जाए तो जितिन प्रसाद हो, आदित्य सिंह हो या फिर आरपीएन सिंह हो, इन नेताओं को शामिल करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी कमजोर किया है और बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आप ये कह सकते हैं कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उसके पास बहुत ज़्यादा ना कुछ खोने को बचा है ना कुछ पाने को बचा है, और जो उनके कुछ कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश में बचे हुए हैं वो भी एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं, या तो वो बीजेपी में जा रहे हैं या समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी में जितिन प्रसाद का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था, उनका पूरा परिवार कांग्रेसी रहा था जितिन प्रसाद का। आरपीएन सिंह की बात करें, आरपीएन सिंह का भी पूरा जीवन कांग्रेस के साथ ही रहा अब तक, और अब आरपीएन सिंह भी बीजेपी में जा रहे हैं। इसके अलावा आदित्य सिंह, जिनके पिता एक बड़े स्तंभ रायबरेली में थे, डॉन थे और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उस विशाल कांग्रेस का रिएक्शन आ रहा है आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने की खबरों पर। वो अपनी राय रख सकते हैं, मैं तो अदना सा कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, जो भी प्रभारी हमारे आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे। कोई तो होगा नजर में फिर भी नहीं, हम लोग इस तरह के किंतु परंतु और भविष्यवक्ता की तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी का ये अंदरूनी मामला होता है और पार्टी के बड़े नेता तय करते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं सदमे में है एक बड़े नेता जो कि आरपीएन सिंह के तौर पर अब बीजेपी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, काफी सदमे में नजर आ रही है पार्टी। विशाल, क्या ये माना जाए कि मुख्य मुकाबला कहीं ना कहीं अभी तक जो दिख रहा है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है? कांग्रेस का एक तरह से बड़े नेताओं का बिल्कुल टोटा सा पड़ गया है, बीएसपी भी बहुत सक्रिय नहीं दिख रही है, तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच? विशाल, बीच में, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी का भी अपना प्रभाव रहेगा, और इसके साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के जितने बड़े नेता उत्तर प्रदेश में रहे हैं, जब से प्रियंका गांधी यूपी में एक्टिव हुई हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो कांग्रेस के नेता बातचीत करते हैं कि प्रियंका से ज्यादा उनके सहयोगी पार्टी को यहां पर रन करते हैं, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। आप उदाहरण के तौर
तौर पर देखिए, इस बार यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए कई बड़े नेता लाइन में लगे हुए थे और ऐसी चर्चा थी कि 22 के चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है और उस कतार में बहुत सारे नाम थे। प्रमोद तिवारी तक चेहरे शामिल थे जो कि हालांकि अभी कांग्रेस में ही है, आगे क्या करेंगे ये पता नहीं, पर और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिसमें जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, राजेश मिश्रा वाराणसी से, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कि कांग्रेस के साथ लंबे समय से जुड़े हुए। लेकिन उनमें से आप देखिए, जितिन प्रसाद का जाना, आरपीएन सिंह का जाना, अदिति सिंह का जाना और इसके अलावा जो और पुराने नेता रहे, राजा रामपाल समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है और कांग्रेस के सामने यूपी छोड़ दीजिए, अमेठी और रायबरेली में भी इस बार एक आध सीट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अमेठी रायबरेली जैसे गांधी परिवार का जो गढ़ कहलाता था वहां पर भी विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। जी रविंद्र, अगर बात की जाए, आज से कुछ साल पहले की बात करें, है कि अचानक से एक खबर सुन रहा हूं, कई दिनों से सूत्रों के हवाले से खबरें चलती थी, आज वो सच दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कहां पर नाइत्तेफाकियां पैदा हुई होंगी? मैं कैसे कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के साथ कुछ आर्गुमेंट वगैरह हुआ था? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूं, मैं इन बातों को कैसे कह सकता हूं, मैं झारखंड में रहता हूं, झारखंड के बारे में पूछेंगे तो मैं झारखंड के बारे में बताऊंगा, मैं वहां क्या हुआ कैसे हुआ ये तो वो बेहतर बता पाएंगे। आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि झारखंड के प्रभारी थे? नहीं, ठीक है, प्रभारी थे तो प्रभारी सिर्फ संगठन के मसले पर बातचीत होती है, उनका क्या व्यक्तिगत क्या मामला है उस पर हमारी बातचीत नहीं होती है। झारखंड में उनके साथ सब कुछ ठीक चल रहा था संगठन के अंदर? बिल्कुल, झारखंड में जो संगठन में जब तक वो प्रभारी रहे हैं, डे टू डे उनका ये रहता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी बातों से अवगत होते रहते थे और बीच बीच में आकर के मीटिंग्स भी लेते थे और सारी जानकारी प्राप्त करते थे, आलाकमान तक पहुंचाते भी थे। अभी झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर जब वो आए थे यहाँ पर, आप लोगों की मीटिंग हुई थी, सब एक साथ बैठे थे सभी लोग, कभी ऐसा लगा कि इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं? नहीं, अगर कभी ऐसा लगता तो जरूर मैं अपनी सुझाव उनको देता, कभी ऐसा नहीं लगा। अगर लगता कि ऐसा कोई वो डिसीजन लेने वाले हैं तो निश्चित रूप से हम उनसे उनको ये बताने का प्रयास करते कि नहीं, जो कांग्रेस ने दिया है बहुत दिया है और कांग्रेस पार्टी देश की सबसे अच्छी और बड़ी पार्टी है और इसमें आपके पूरे परिवार के लोग और आपने अपनी सेवा दी है, लेकिन ऐसी कोई बात उनके साथ नहीं हुई। ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उनका, जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी में जाएंगे, तो ये कितना नुकसान हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, ये तो समय बताएगा, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि कई लोग गए हैं, हाँ, और आपने देखा होगा पिछले चुनाव में झारखंड में कई लोग छोड़ के चले गए थे, क्या फर्क पड़ा? आप एक तरफ कह रहे हैं कि झारखंड के संगठन के अंदर उनके साथ सब कुछ ठीक था, लेकिन जो हम लोग देखते थे काफी नेता जो है वो नाराज चल रहे थे, प्रभारी से भी नाराज चल रहे थे, शिकायत भी करते थे उनके वहां जाकर, तो क्या ये सब परिस्थितियां रही होंगी उनके रेजिग्नेशन के पीछे या किस तरह का? नहीं नहीं, देखिए, नाराजगी किसी से किसी की हो सकती है, उसमें कहीं, और उनके झारखंड के लोगों के नाराजगी से तो जहां जो मैं अध्यक्ष हूं तो मेरे से भी बहुत लोगों को नाराजगी होगी, वो प्रभारी थे उनसे भी नाराजगी रही होगी। तो झारखंड कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें इस बात की खबर लग रही थी कि आरपीएन सिंह जो है पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन उनके जाने से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। झारखंड के प्रभारी भी रहे हैं आरपीएन सिंह, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं। रविंद्र, क्या आरपीएन सिंह को शामिल करके बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध रही है, एक बड़ा चेहरा, एक ओबीसी चेहरा, साथ ही साथ सिर्फ यूपी तक ही उनका असर नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व में अच्छा खासा दखल था आरपीएन सिंह का, आलाकमान के काफी करीबी माने जाते थे, तो इसे एक बड़ा झटका कांग्रेस आलाकमान के लिए भी? बिल्कुल, देखिए, ये सब जो नेता है जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, ये एक समय आप देखिए कि 2014 से पहले ये बीजेपी कांग्रेस के लिए युवा नेतृत्व जो उभारा गया था कांग्रेस की तरफ से, उसके एक प्रमुख चेहरे हुआ करते थे, जिनको मनमोहन सिंह कैबिनेट में जगह भी दी गई थी, या फिर राहुल गांधी या सोनिया गांधी की जो कांग्रेस संगठन था उसमें भी महत्वपूर्ण पद दिया गया था, ऐसे कई चेहरे थे। लेकिन 2014 के बाद लगातार चुनाव हारते चली गई कांग्रेस और नेतृत्व सिमरता चला गया, इस तरह के आरोप ये सभी बड़े नेता भी लगाते रहे, नेतृत्व सिमरता चला गया, नेतृत्व का संवाद खत्म होते चला गया, संवादहीनता कारण से, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर इस तरह के तमाम बड़े नेता हो, ये सब कहीं ना कहीं अपनी अलग राह तलाश किए और बीजेपी में आए बहुत से नेता, जहां तक इनका इस्तेमाल की जाहिर सी बात है, अगर पडरौना कुशीनगर नहीं, एक कास्ट है, एक चेहरा है, तो पूरे पूर्वांचल में
आरपीएन सिंह को घुमाया जाएगा या फिर उनसे प्रचार करवाया जाएगा, एक स्टार प्रचारक बीजेपी के होंगे। और यही नहीं चंदन, आज पडरौना से ही या कुशीनगर से ही आते अजय सिंह लल्लू भी आते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कौन जानता है कि वो भी बीजेपी में आने वाले दिनों में शामिल हो जाए, क्योंकि वो भी काफी करीबी है आरपीएन सिंह के। जी बहुत बड़ी बात आपने कही है कि कहीं अजय सिंह लल्लू, जो कि कुछ दिनों पहले तक उन्हें हमने लाठी डंडे खाते हुए देखा है बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो भी आरपीएन सिंह के काफी करीबी हैं। विशाल, आने वाले दिनों में आरपीएन सिंह तो आ चुके हैं, अपर्णा यादव आ चुकी हैं, क्या कुछ और नाम भी कतार में हो सकते हैं, बड़े नाम जिनकी चर्चा बीजेपी के दफ्तर में चल रही हो? देखिए अभी इसके लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा। देखिए कांग्रेस के दो तीन ऐसे चेहरे हैं जिन पर बीजेपी की निगाहें भी हैं, और उन चेहरों को ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस के सिंबल पर इस बार वो चुनाव ना जीत पाएं। उनमें से कुछ या तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके क्षेत्रों में जैसा जातिगत समीकरण उनके लिए फिट बैठता है उसके आधार पर वो फैसला लेने वाले हैं। लेकिन आप ये देखिए, जो नेता छोड़कर जा रहे हैं, आखिरकार ये कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं? पहली चीज यह कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुकी है। दूसरी चीज, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चला रहे हैं उनके कारण जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि नेताओं का यह कहना रहता है कांग्रेस पार्टी के कि अब पार्टी को नेता नहीं चला रहे हैं बल्कि जो सहयोगी हैं बड़े नेताओं के वो रन कर रहे हैं। कैंपेन कैसे होगा, किसको ज्वाइन करना है, किसको टिकट देना है, किसको संगठन में क्या पद देना है, तो इससे कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी जरूर देखने को मिलती है। और समय समय पर जो कांग्रेस के कुछ चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर जो कांग्रेस का नेतृत्व है उनको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में अदिति सिंह ने रायबरेली सदर से विधायक थी कांग्रेस की, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। राकेश सिंह एक और विधायक थे रायबरेली जिले से ही, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। इसके साथ आप जितिन प्रसाद का उदाहरण ले सकते हैं, आरपीएन सिंह शामिल होने वाले हैं। फिर आप देखेंगे तो जो और छोटे स्तर पर नेता थे जिले स्तर पर वो भी अधिकतर बीजेपी में ठीक है। और कांग्रेस छोड़ने वालों की लिस्ट में एक बड़ा नाम शामिल हुआ है आरपीएन सिंह का, जो कि आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।